आपको दिखाने जा रहा हूँ स्मार्ट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो सक्सेसफुली मोर देन 1000 रेस्टोरेंट्स में यूज़ होता है। इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे ये इसका आइकॉन है, कैसे आप इसमें लॉग इन करेंगे और कैसे आप इसका बिल बनाएंगे। यहाँ पे मैं लॉग इन करने जा रहा हूँ। जैसे यूज़र आईडी है एडमिन, पासवर्ड भी है एडमिन, जिससे मैंने लॉग इन किया। एडमिन को पूरा सॉफ्टवेयर का यूज़र राइट दिया गया है। यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट का लोगो रख सकते हैं। बिलिंग कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलेगा मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बैंकवेट मैनेजमेंट, रिपोर्ट, CRM, SMS इंटीग्रेशन एंड स्मॉल अटेंडेंस, एम्प्लॉय अटेंडेंस। अब बिलिंग के लिए मैं सिंपल यहाँ पे जा रहा हूँ बिलिंग मॉड्यूल में। मान के चलिए मैं ये दो नंबर पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है तो मैं डालूँगा, नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट बिना मोबाइल नंबर डाले भी आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स अगर डालना है तो मैं डालूँगा, कितने लोग विजिट करे वो डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ से डाल रहा हूँ आइटम, जो टच पैनल से भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरह यहाँ से अगर आइटम सर्च करके, जैसे मुझे पनीर सर्च करना है तो मैंने बहुत सारे पनीर के आइटम हैं तो उसमें से जो भी आइटम है वो भी यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ। मैं कोड नंबर डाल के भी यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। तो तीन तरीके से आप आइटम को सर्च करके KOT बना सकते हैं। KOT मीन्स किचन ऑर्डरिंग टिकट्स। जैसा ऑर्डर पंच हुआ, यहाँ पे टेबल का टाइम आ गया और टेबल का कलर चेंज हो गया, उसी तरीके से मानिए मैं दूसरा एक टेबल पे ऑर्डर डाल रहा हूँ। इसमें मैं कोई डिटेल नहीं डाल रहा हूँ तो मैंने ये डाला, इजीली ये गया। अभी अगर मैं पार्सल बनाने जा रहा हूँ तो मैं पार्सल के अंदर डालूँगा कस्टमर का मोबाइल नंबर। मैंने ये पार्सल के अंदर विशाल शाह का मोबाइल नंबर डाला। यहाँ पे उसने जो आइटम मांगी वो डाला, तो इसका KOT। यहाँ पे तीन टेबल चालू है, तीनों का ऑर्डर मुझे एक साथ में देखना है। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो बटन है वो बहुत इजी टू यूज़ है, सिंपल है सॉफ्टवेयर। एक बार किसी को 10 मिनट भी समझा देते हैं तो वो इजीली ऑपरेट कर सकता है। जैसे टेबल ऑर्डर, ये तीनों ऑर्डर देखना है तो टोटल ये 1190 रुपये का बिजनेस है। दो नंबर का ऑर्डर इतना है, 12 नंबर का इतना, पार्सल का इतना, ऐसे देख सकते हैं। पार्सल के अंदर जब मैं बिल बनाऊंगा तो विशाल का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जैसे मैं इसका बिल बनाने जा रहा हूँ तो ये बिल का बटन है, मैंने यहाँ पे बिल बनाया तो उसके अंदर पार्सल का डिटेल आएगा, बिल नंबर आएगा, कस्टमर का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर आएगा और नीचे यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस भी प्रिंट होके आएगा, जिससे आप इजीली डिलीवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, मानिए मैं दो नंबर का बिल बनाने जा रहा हूँ या उसमें रनिंग आइटम डाल रहा हूँ तो मैं इसमें ये रनिंग आइटम डालता हूँ। ये पुराने 4 प्रोडक्ट है ऑलरेडी, मैं डाला रनिंग आइटम। अब मैं इसका बिल बनाने जा रहा हूँ तो बिल में जाऊँगा, डिस्काउंट देना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिस्काउंट दे सकता हूँ। ये इसका बिल बन गया। बिल बनाने के बाद यहाँ पे देख रहे तो व्यू यानी खाली टेबल है, रेड यानी रनिंग टेबल है और येलो का मतलब है बिल गेस्ट के पास गया है। अब मुझे इसका पेमेंट लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, गेस्ट कैसे पेमेंट दे रहा है वो मैं ले लूँगा, जैसे कैश दे रहा है तो कैश में ले लूँगा। इसी तरीके से विशाल का पेमेंट आया है, मानिए क्रेडिट कार्ड से, तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लूँगा। तो इस तरीके से बिलिंग होता है। अगर आपको डुप्लीकेट बिल प्रिंट करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर से ईजी। तो अगर KOT प्रिंट करना भूल गए तो आप यहां से KOT का प्रिंट आउट भी फिर से ले सकते हैं। तो ये होता है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर टेबल ट्रांसफर होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहां पे मानिए 12 नंबर का टेबल है, वो शिफ्ट करके 4 नंबर पे गया तो पूरा टेबल ट्रांसफर हो गया, तो 12 नंबर का टेबल 4 पे चला गया। तो ये मैंने आपको बताया बिलिंग पार्ट्स रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। थैंक यू।